स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग पर। तो जैसे कि आप लोगों को पीछे देख के पता चल ही गया होगा कि हम लोग अभी घर से बाहर में हैं और थंबनेल देख के आप लोग जान ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं। मतलब आए हुए हैं आज हम लोग अपने वीडियो शूट के लिए, लोकेशन देखने के लिए, जो कि अभी रांची से 25 किलोमीटर दूर रुक्का डैम। आप लोग जानते ही होंगे जो कोई रांची से है और रांची के बाहर वाले भी जानते होंगे, तो यही है वो प्लेस रुक्का डैम। तो ये लोकेशन हम लोग का पहला लोकेशन है, इसलिए यहाँ पे आए हुए हम लोग। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कैसा यहाँ का सीन है। वैसे ये लोकेशन तो बहुत ही अच्छा है, तो चलिए आपको दिखाते हैं अच्छे से। देख सकते हैं गाइस, इधर जो ये पेड़ वेड़ जो लगा हुआ है ना, पूरा सबसे ज्यादा खास तो यही है। मतलब कैमरा में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और ये फूल भी, इसमें भी लोग मतलब बहुत ज्यादा वीडियो बन चुका है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस लोकेशन पे शूट नहीं किए कभी, तो ये बार फर्स्ट होने वाला। तो ये हम लोग का पहला लोकेशन था। तो चलिए अभी बिना किसी देरी किए हुए हम लोग चलते हैं अगला लोकेशन पे। और बाकी जो लोकेशन है, हम लोग का 2-3 लोकेशन चूज किए हैं एक गाना के लिए, जो हम लोग का नेक्स्ट गाना आने वाला है उसके लिए। तो अगला लोकेशन पे जाके आप लोग से मिलते हैं और आप लोग को लास्ट में वो गाना भी सुनाएंगे 2 लाइन जरूर, जो गाना हम लोग का आने वाला है नया। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए और हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर और दिखाते हैं आपको वो भी। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कहीं भी जाती है तो कार्टून कुछ ना कुछ खाते ही रही है, अपना लेके जाती है। कब लेके आई पता नहीं, देखिए बादाम लेके आई है बैग में अपना भर के, और ये बिस्कुट भी है। चलिए हम भी अभी खाते हैं, थोड़ा बहुत चलते हैं। गाइस, तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं तो अभी हम लोग दूसरा लोकेशन के लिए निकल गए हैं। तो देख सकते हैं ऊपर फ्लाईओवर। गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं दूसरे लोकेशन पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर सा लोकेशन देख रहे हैं। पता नहीं वीडियो बनाएंगे तो अभी पता चलेगा कैसा दिखेगा, लेकिन जहाँ तक हम लोग उम्मीद किए हैं कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, मतलब ये लोकेशन हम लोग का बैकग्राउंड पे, इसलिए हम लोग इसको चुने हैं। तो चलिए आप लोगों को अच्छे से दिखाते हैं ये वाला भी लोकेशन को। तो ये क्या है, मतलब क्या है, ओवर ब्रिज है और उसके साइड वाला है, यहाँ साइड में रोड है चलने के लिए, तो बहुत जगह आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अभी ये नया रिंग रोड है तो स्टार्ट नहीं हुआ है, बोल के यहाँ पे खाली भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोग को शूट वगैरह करने में। तो यही जो दीवार है वो देखने में अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग ये वाला जगह को सिलेक्ट किए हैं। और देख सकते हैं आप लोग शाम का समय उधर कितना मस्त लग रहा देखने में क्या। तो वही है ये हम लोग का दूसरा वाला लोकेशन। तो आप लोग ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, मतलब वीडियो के लास्ट में कि कौन सा लोकेशन आप लोग को ज़्यादा पसंद आया और अच्छा लगा। चलिए अभी चलते हैं हम लोग अगला वाला लोकेशन पे और वहाँ पे आप लोगों से मिलते हैं। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए, तब तक ले चलते हैं आप लोगों को दूसरा वाला लोकेशन। गाइस, तो देख सकते हैं ये वाला लोकेशन इतना प्यारा है, इतना प्यारा, अभी से इतना अच्छा लग रहा है कि पूछिए मैं। और उधर देख सकते हैं मुझको तो सेल्फी उल्फी ले रहे हैं एकदम से अभी ऐसे, मतलब कि ना इधर का ये वाला जो बना है ना, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। पता नहीं अब वीडियो में कैसा आएगा, अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 1-2 फ़ोटो भी क्लिक करवा लिए। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से और इसका नेक्स्ट अगला वाला लोकेशन दिखाते हैं आपको। तो चलिए ले चलते हैं आपको वहीं पर सीधे। देख सकते हैं पीछे से वो वाला लोकेशन बहुत ही अच्छा लगेगा, पहले भी हम लोग यहाँ पर एक फोटो शूट
तो गाइज आप लोग ये जो पीछे में आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं ये CIT का कॉलेज कैंपस है, लेकिन ये वीडियो में बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव लगने वाला है पीछे, जो कि हम लोग का ब्लर सीन रहेगा लेकिन अच्छा दिखेगा। दूर काफ़ी है यहाँ से रिंग रोड से, ये रिंग रोड में अभी हम लोग खड़े हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हम लोग रिंग रोड पे खड़े हैं, लेकिन यहाँ से वो काफ़ी दूर है, लेकिन जूम कैमरा में वो सामने आ जाएगा। तो चलिए आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा आप लोग को तीनों लोकेशन, और तीनों में से कौन सा ज़्यादा मतलब बेस्ट लगा आप लोग को, और कौन कौन इधर घूमने के लिए आ चुके हैं। तो आप लोग को हम बोले थे कि गाना को लास्ट में आप लोग को सुनाएंगे दो लाइन जरूर, तो आप लोग को सुनाएंगे गाना, आप लोग सुनना चाहते हैं घर जाके सुनाएंगे। तो चलिए आप लोग घर चलते हैं अभी, और साथ में आप सब भी बने रहिए। हाँ पर बने रहिएगा। तो चलिए अब घर जाके आप लोगों को सुनाते हैं हम लोगों का न्यू सॉन्ग जो कि आने वाला है बहुत जल्द, और बहुत जल्दी हम लोग का शूटिंग भी स्टार्ट होने वाला है क्या। गाइस तो अभी हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं, और क्या अब करेंगे हम लोग ड्रेस वगैरह चेंज कर लेंगे क्योंकि बहुत देर हो गया है घूम के, इधर उधर घूमे पूरा, तो ड्रेस बहुत ज़्यादा धूल भी उड़ा है, गंदा हो गया, चलना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। तो जैसा कि अभी कार्टून आप लोगों को बताई थी कि आप लोगों को दो लाइन जरूर सुनाएंगे आप लोगों को गाना, तो चलिए अभी सुनाते हैं, आप लोग सुनिए गाना को और मज़ा लीजिए, और साथ में कैसा लगेगा आप लोग बताइए जरूर, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग का वीडियो इस गाने पर पूरा वीडियो आने वाला है क्या। तो चलिए सुनाते हैं आप लोगों को। क्या करें दो लाइन बजे रहना है। वैसे तो आप लोग को म्यूजिक सुन के ही पता चल गया होगा कि गाना किस टाइप का है, इस बार हम लोग का पूरा डांस वाला गाना है। तो गाइज आप लोग सुन लिए म्यूजिक वगैरह भी सारा कुछ सुन लिए, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को, और मिलेंगे बहुत जल्द हम लोग शूटिंग वाला ब्लॉग के साथ, मतलब शूटिंग करने जाएंगे उस दिन भी आप लोग को ब्लॉग मिलेगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट आप लोग को गाना मिलेगा हम लोग का एल्बम वीडियो। चलिए आज का वीडियो हम लोग करते हैं एंड, और मिलते हैं फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग से, तब तक सभी को बाय बाय।